हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एएमडीसी लिमिटेड। ओके, तो देखिए ये शेयर आपका आज के डे पे क्लोज हुआ है 155.70 पे, एंड ये शेयर आपका आज के डे पे हाई गया था 157.65 एंड लो गया था 152.80। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेटिंग है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल है ₹45,629.53 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है ₹41,817.99 करोड़ एंड पीई रेशियो है ओनली 4.38। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹1,994.47 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.07। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹5,806.01 करोड़। इसका मतलब क्या, कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 1,994.47 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है ₹35.55, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.83% एंड आरओसीई आपका है 29.80%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ हुआ है 31.38% एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 73.21%। प्रोमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है 60.79%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 60.79% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है। तो फंडामेंटली अभी तक हम लोगों ने जितना भी डेटा देखा मेरे हिसाब से सभी बहुत अच्छा था, तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली ये एक अच्छा कंपनी है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे और जाके इसका चार्ट भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को कौन सा शेयर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है, सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जो आपका डाउन ट्रेंड इस शेयर में आपको इंडिकेट कर रहा था, कि ये शेयर बहुत दिनों से गिर रहा था। इस जगह पे आके इस शेयर में हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, इस जगह पे आके। एंड जब भी ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट होता है तो माना जाता है कि शेयर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें एक रूल्स भी है। क्या रूल्स, मैं थोड़ा सी आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। जब भी ट्रेंड लाइन पे आपका ब्रेकआउट होता है तो शेयर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर वो शेयर फिर से नीचे गिरता है एंड उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हैं फिर से आपका ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, जो कि आपका इस शेयर में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब इस शेयर में हम लोगों को पूरा एकदम पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है ब्रेकआउट का। तो अभी टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहा है उसको जानने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस चार्ट का एक बार, मतलब इस शेयर का एक बार टेक्निकल इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट पे। ओके, तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट भी ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका था 31 जनवरी के दिन 2022 का, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुआ था, जो कैंडल आप लोगों को रेड कैंडल दिख रहा है लेकिन एक पॉजिटिव कैंडल है। किस लिए पॉजिटिव कैंडल है, क्योंकि पिछला कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोज किया, फिर क्यों रेड दिखा रहा है, रेड इसलिए दिखा रहा है कि गैप अप में ओपन हुआ था, ऊपर में आपका ओपन हुआ था एंड क्लोज उस दिन जो जिस रेट पे ओपन हुआ था उसका नीचे क्लोज किया, इसलिए कैंडल रेड है। लेकिन पिछला दिन का कैंडल से अगर कंपेयर करेंगे तो एक पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। तो एक कैंडल फॉर्म हुआ था, उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से एशियर ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड आज के डे पे एशियर फिर से यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल भी फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। एंड आज के डे पे एशियर ने कोशिश किया है कि इस शेयर का जो 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है इसको तोड़ दे, लेकिन तोड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी अप ट्रेंड नहीं है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से एशियर अभी आपका 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी अबव 60 और एनएलसीडी भी 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में इंडिकेटर हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक येलो लाइन ड्रॉ किया जो भी आपका एक ट्रेंड लाइन है, और सेम चीज यहाँ पे भी दिखा रहा है देखिए इस जगह पे आके। ठीक है, ये आपका था आपका 10 जनवरी का जो वीक था, मतलब जनवरी का सेकेंड वीक था, इस जगह पे आके इस शेयर में ब्रेकआउट हुआ है। ये शेयर बहुत दिनों से गिर रहा था, देखिए बहुत दिनों से गिर रहा था, इस जगह पे आके ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा बात क्या है, जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है उसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया है, जो कि हम लोगों को और भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का डे पे क्या किया है, इस शेयर में हम लोगों को आज का डे पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव कैंडल फॉर्म नहीं होता हुआ दिख रहा है, और एक चीज दिख रहा है क्या, आज का डे पे इस शेयर ने इस शेयर का जो 50 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है उसको भी तोड़ा है, जो कि आपका टेक्निकली बहुत ही अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 200 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। आरएसआई जस्ट आपका 60 का लेवल को टच किया, जो कि टेक्निकली अच्छा बात है। एनएलसीडी भी जस्ट दो हफ्ता पहले 0 पॉइंट से ऊपर गया है। मतलब वीकली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेने के लिए इंडिकेटर इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस चार्ट का एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। यहाँ पे भी देखिए मैंने एक येलो कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि हम लोगों को डाउन ट्रेंड समझा रहा है। लेकिन इसी महीने में हम लोगों को इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एंड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि आपका बहुत अच्छी बात है। एंड मंथली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर आपका 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी जस्ट आपका 60 का जो लेवल है उसको टच किया, और एमएसडी एक न्यूट्रल जोन पे है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट में भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा सिग्नल दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पिवोट पॉइंट बोल के इंडिकेटर है उसको भी एक बार अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने पिवोट पॉइंट इंडिकेटर जो है वो भी अप्लाई कर लिया, एक चीज समझाने के लिए। किस लिए, देखिए एक तो ब्रेकआउट मंथली चार्ट में हुआ है, उसके ऊपर इस कैंडल ने क्या किया है, देखिए पिवोट पॉइंट का जो एक रेसिस्टेंस लेवल था ए वाला लेवल, इसको भी तोड़ दिया है, तोड़ के ऊपर को क्लोज किया, जो कि एक टेक्निकली अच्छा बात है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 155-156, अगर इसी रेंज में इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 3 महीने का है, तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर ये शेयर आपका 190 का जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।